सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ दूध से मिठाई बनाकर दिखाऊंगी। ये मिठाई जो हम घर पर बनाएंगे बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक होती है और खाने में भी टेस्टी होती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर फटाफट तैयार हो जाती है। इस मिठाई का नाम है दूध के पेड़े। दूध के पेड़े बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसको मैंने बॉयल होने के लिए हाई फ्लेम पर गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं एक अच्छा उबाल आने देती हूँ। देखिए, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई रखते हुए इस दूध को मैं गाढ़ा होने तक लगातार चलाती रहूंगी। इसके साइड में जो भी मलाई लगेगी उसको भी खरच खरच कर इस दूध में मैं मिलाती जाऊंगी। चम्मच को कढ़ाई के तले तक ले जाते हुए चलाना है, इससे दूध नीचे नहीं लगेगा। यहाँ तक हो नॉन स्टिक पैन ले। अगर हम नॉन स्टिक पैन नहीं ले रहे हैं तो दूध को पकाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। अगर दूध कढ़ाई के तले में लग गया तो मिठाई का स्वाद पूरा खराब हो जाएगा। देखिए, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मीडियम और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तो हमारा टाइम थोड़ा कम लगेगा, ये जल्दी ओंट जाएगा। अब इसी वक्त में इसमें जी आधा छोटे चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूंगी। 1 पिंच मैंने केसर का कलर लिया है, बाजार में आसानी से मिल जाता है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, इससे हमारी जो भी मिठाई बनेगी इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये मैं डाल देती हूँ, दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अभी दूध को मैं और उठाऊंगी जब तक कि ये मावा फॉर्म में नहीं आ जाता। ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अब ये मावा बनने ही वाला है। इसी वक्त मैं इसमें शक्कर डालूंगी। 100 ग्राम मैंने शक्कर ली है। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम शक्कर काफी होती है। अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 125 ग्राम शक्कर भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको भी मिक्स कर लूंगी और दूध को मैं और पकाऊंगी जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। दूध को लगातार चलाते रहना है, जरा भी इसको हम चलाना बंद करेंगे तो ये तले में चिपक जाएगा और मिठाई का जो भी जायका है वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। शक्कर डालने के बाद दूध के चिपकने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको बिल्कुल चलाते जाएं। अब इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा और करूँगी। दूध पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है, देखिए इतना गाढ़ा मैंने इसको रखा है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूध को हमने उठाया था, पूरी तरह ठंडा हो चुका है। 1 चम्मच की हेल्प से इसको मैं थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ, तरह से दबा दबा कर चिकना कर लेंगे। मावे को मैंने अच्छी तरह चम्मच से घिसकर चिकना कर लिया है और इसको 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि अच्छा हार्ड हो गया है, हम इसको एक पेड़े का शेप दे सकें। हाथों पर आगे लगा लूंगी और थोड़ा सा मिक्सर लेके पेड़े का शेप दूंगी। पेड़े हम अपनी पसंद से छोटे बड़े बना सकते हैं। देखिए इस तरह से गोल गोल इनको मैं शेप दूंगी। थोड़े से बादाम मैंने काट कर रखे हैं, ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और हल्का सा इसको दबा दूंगी। इस तरह से मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। जब मिक्सर हाथों पर चिपकने लगे तो थोड़ा सा घी लगाते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी पेड़े बने हैं। पेड़े बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हाइजीनिक भी होते हैं, क्योंकि इन्हें हमने अपने घर पर बनाया है। तो इस आने वाली दिवाली पर आप दूध से ये मिठाई जरूर बनाइए, सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।